अच्छा, तो ये बेसिकली दो वर्ब्स का जब संगम होता है, मिलाप होता है, ठीक है, कोलैबोरेशन होता है, तो उसकी चार सिचुएशन होती है, ठीक है। और वो चार सिचुएशन हमने अलग अलग लेक्चर्स में की हुई हैं ट्राई की, लेकिन आप लोग जो है वो अलग अलग चार वीडियो देखना पसंद नहीं करते, इसलिए एक वीडियो में वो चारों फॉर्म्स हम आज कर रहे हैं। पक्का बंद करते हो अलग वैसे भी सर्दी, कुछ लोगों के पास पैसा बहुत है तो उसको गर्मी लग रही, पैसे की गर्मी अलग होती है, लेकिन मैं तो गरीब आदमी ये फैन आके मैं खोलता हूँ, जो कि मैं यूबीएल कॉम्प्लेक्स में पैदा लगा। अच्छा अच्छा ठीक, तो वो आती हुई जरा गर्मी लगती है, अब आपकी फिटनेस का राज समझ में आया। ठीक, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि जो मैं बोलता हूँ जापानी में तो क्या आप लोगों के, आप लोगों की समझ में तो आने लगा होगा? नहीं इधर नहीं आता। ठीक चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि चार चार पैटर्न होते हैं जब दो वर्ब मिलते हैं, एक काम करके दूसरा काम करना, एक काम करके दूसरा काम करना, उसके बाद हम क्या तरीका लगाते हैं कि पहले वर्ब की ते फॉर्म लगा के उसके बाद दूसरे वर्ब की जो भी फॉर्म होती है, मिसाल के तौर पर वो जहर पीकर मर गया, तो पीकर का जो है पीने को क्या कहते हैं, नोमू, नोमू की ते फॉर्म लगा देंगे, और नोमू की ते फॉर्म क्या है, नोंदे या नोमीते, क्या होगी, नोमीते नोंदे जी, करेवा दोकू और नोंदे मर गया शिंगी मचता, ठीक है, या शिंदा भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें एक पैटर्न और हो सकता है, जैसे हम उर्दू हिंदी बोलते हैं वो जहर पीकर मर गया भी सही है, और वो जहर पीकर के मर गया फिर क्या, वो भाई वो जा करके दवाई हो गया, ठीक है, वो वहाँ जा करके सेटल हो गया, ठीक है, हालांकि हम ये कहते हैं कि वो जाकर सेटल हो गया, लेकिन लोग बोलने वाले समय बोलते हैं यार वो वहाँ जा करके सेटल हो गया, ठीक है, तुम वहाँ जो है ना किताब खरीद करके फला को दे देना, तो कर खरीद कर दे देना भी सही है और खरीद करके दे देना भी सही है, ऐसे ही ना उर्दू में, हिंदी उर्दू समझ लेते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ जापानी में भी करे हुआ दोकू ओ नोंदे के बाद करा लगा देते हैं, नोंदे करा शिंदा या शिंगी मचना, एक ही बात, करेवा दोकू ओ नोंदे शिंदा या करेवा दोकू ओ नोंदे करा शिंदा, एक ही बात, ठीक है, क्लियर है बात। ये हो गया कौन सा पैटर्न, एक काम करके दूसरा काम करना, ठीक है, एक काम करके, जी मंसूर साहब क्लियर हो रही बात, जी सर, रमेश आप, जी पुष्पा, सही। तो अब क्या हो गया नंबर टू, एक काम करने के लिए दूसरा काम करना, आनंद आप नहीं, आपको बहुत आनंद आ रहा है जी, एक काम करने के लिए दूसरा काम जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका तरीका क्या है कि पहले वर्ब की मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करके नी लगा दें, ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो दो काम हो रहे हैं, खाना भी खाना है और जाना भी है, खाना भी खाया नहीं, खाना खाने के लिए दूसरा काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, या वो नई कार खरीदने गया था, तो दो वर्ब हो गए, गाड़ी खरीदनी और जाना, गाड़ी अभी खरीदी नहीं है, गाड़ी खरीदने के लिए दूसरा काम कर रहा है, तो जब गाड़ी खरीदने के लिए दूसरा काम कर रहा है तो गाड़ी खरीदने को क्या हो जाएगा, करेवा करे करे बहुत हो गया, खवातीन भी तो गाड़ी खरीद सकती है, ऐसा क्या होगा, करो जो वा कुरुमा ओ खरीदने के लिए, खरीदने क्या कहते हैं, काऊ मस फॉर्म क्या है, काइमस, तो हमने काइमस में से मस ड्रॉप कर दिया, ठीक है, काइमस में से मस ड्रॉप कर दिया और क्या लगा दिया, नी लगा दिया, मस ड्रॉप कर फिर मस लगा, करो तो वह कुर्मा वो काई नी, क्या वो गाड़ी खरीदने गई थी, गई थी क्या हो जाएगा, इतना एक ही भाषा,
कनु जोवा खुरमाओ खाई नी इत्ता या इति मस्ता, एक काम करने के लिए दूसरा काम, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, वो क्या तरीका है कि पहले वर्ब की रेगुलर फॉर्म लगा के कामिनी लगा दे, कनो जो वा कुरुमा ओ काऊ तामे नी इत्ता या इकीमश्ता, कनो जो वा कुरुमा ओ काऊ तामे नी इकीमश्ता। परेशान लग रहा है, इसलिए कहता हूँ कि गालिब साहब बेचारे वो भी जापानी से बहुत तकलीफ थी और वो आखिर वक्त ये कहते हुए कि जापानी नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और डूब के जाना, ठीक है। और उसके बाद फिर ये भी हुआ कि जब उनको जापान में बुलाया गया तो ओसाका में जब मीटिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है जापानीज की, तो आप तशरीफ लाइए, तो उन्होंने उसके जवाब में एक शेर लिख दिया और वो शेर क्या था, ओसाका किस मुँह से जाओ अपने खाली, जापानी तुमको मगर नहीं आता, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी बेचारे गिव अप कर रहे थे, जापानी को आसान बन गया। कनो जवा कुरुमाओ काऊ तामे नी इकीमश्ता, इसकी और एग्जाम्पल बना लेते हैं। मैं पानी पीने जा रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तीन स्टूडेंट को पढ़ा लेंगे, इतना शोर कर रही है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट को क्या हो जाएगा, ठीक है, उसको उसको भेज दी, उसको धक्का दीजिए पहले उसको ताकि एयर टाइट हो, शुक्रिया। क्या बात हो रही थी, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, वतशी वा मिजू ओ, मिजू खाने सबको आती है, नोमी नोमी मस नोमी नी, उधर क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है, इतने ही रूप इतने मस। और इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, वतशी वा मिजू ओ नोमू इतनी मुश्किल से सिर्फ आपके लिए मैं बाल बना के आया हूँ, इतनी नई शर्ट पहन के सिर्फ आपके लिए, आप तवज्जो, आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, दोनों का एक ही मतलब, ठीक है। तो ये सेकंड पैटर्न भी हो गया, क्लियर नहीं आता। अब तीसरा पैटर्न क्या है, एक काम करने से पहले दूसरा काम करना, एक काम करने से पहले दूसरा काम करना, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला ये कि जो काम करना होता है आपने, जो काम करने से पहले, जो काम अभी नहीं किया उससे पहले तो दूसरा काम करेंगे, जो काम नहीं किया उसकी रेगुलर फॉर्म लगा देंगे और माए भी लगा देंगे। मिसाल तौर पर खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए, खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए, खाने क्या कहते हैं, गोहान, गोहान क्या है, ऑब्जेक्ट है, खाने को आप खा रहे हैं ना तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो गोहान वो ताबे माई नहीं, ताबे रू माई नहीं, जी रेगुलर फॉर्म है ताबे रू, रेगुलर फॉर्म रहेगी, लाइन नंबर वन रेगुलर फॉर्म, गोहान वो ताबे रू माए नी ते ओ अरते को दसाई, गोहान ओ ताबेरू माए नी ते ओ अरते कुदासाई, ये ते की खानी है, ये अराउ की खानी है, गोहान ओ ताबेरू माए नी ते ओ अरते कुदासाई, खाना खाने से पहले हाथ धो लीजिए, जापानी सीखने से पहले उर्दू सीख लीजिए, क्या हो जाएगा, निहोंगो ताबेरू माए नी, निहोंगो ओ ताबेरू माए नी, हाँ ले क्या जरा आपके आधार मुझे बड़े खतरनाक लग रहे, निहोंगो
नाराउ मायनी उर्दू को नरत्ते कुदा साई तो मुश्किल है रेगुलर फॉर्म के बाद माय नहीं लगा और के रेगुलर फॉर्म माय ठीक माय नहीं मतलब पहले सामने वतशिवा अनाता नो माय नी इमस मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे वजह अनाता के बाद नो लग रहा है जबकि वर्क के बाद डायरेक्ट माय नहीं लग रहा वतशिवा अनाता नो माय नी इमस मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूँ ठीक है तो अनाता के बाद क्या लग रहा है नो लग रहा है लेकिन यहाँ वर्ब के बाद रेगुलर वर्ब के रेगुलर फॉर्म के बाद माय मिल जाएगा जापानी जुबान सीखने से पहले उर्दू जुबान सीख लीजिए ठीक है अच्छा जी उसके बाद आखिरी रहिए एक काम करने के बाद दूसरा काम करना इसका भी पैटर्न बहुत आसान है चलिए ऊपर लिख देता हूँ नीचे नीचे लिखा है वीडियो में नजर आ रहा है जी थोड़ा दो लाइन हो जाएगी तो चौथा पैटर्न क्या है एक काम करने के बाद दूसरा काम करना ठीक है तीसरा पैटर्न तो हो गया चौथा पैटर्न क्या है एक काम करने के बाद दूसरा काम करना उसका फॉर्मूला क्या है एक काम कर लिया आपने उसके बाद दूसरा काम हो रहा है तो पहले वर्ब की ता फॉर्म यानी लाइन नंबर 7 लगा के अतो दे लगा देना मिसाल के तौर पर वो खाना खाने के बाद सो गया ठीक है वो खाना खा के सो गया ये भी सही है वो खाना खाने के बाद सो गया जिस तरह मतलब दोनों का एक ही वो खाना खाकर सो गया या खाना खाने के बाद सो गया दोनों का मतलब एक ही है कि भूखा नहीं सोया ऊपर वाला उठाता तो भूखा है लेकिन सुलाता भूखा नहीं अच्छा मुझे तो उठाता भी भूखा नहीं रात को इतना खा लेता हूँ कि सुबह तक मेरे सीने में जगह क्योंकि ये सोच के सोता हूँ कि पता नहीं सुबह उठने को मिले ना मिले तो जितना आदमी है खा सके खा ठीक है गोहान हो क्या हो गया निहोंगो नराओ हाँ क्या बात होगी क्या जुमला बनाइए वो खाना खाने के बाद सो गया अरे वाह गोहान ओ ताबेता वर्ग की ताब ताबे बचता है तो नहीं होगा यार रेगुलर फॉर्म डिक्शनरी फॉर्म का लाइन नंबर 7 बनेगी करे वा गोहान ओ ताबेता तो दे नेमस्ता मैं तुझे पैसे लेने के बाद ही जाऊंगा अब क्या होगा वतर शिवा अब कुछ लोगों का पैसे देने पड़ेंगे ठीक है हम परेशान कर दो जुमला है मैं तुमसे पैसे लेने के बाद जाऊंगा वतर शिवा अनाता करा या अनातानी ओकाने ओ मोरत्ता आतो दे मोराउ लेना और मोरत्ता उसकी तापा बन जाएगी मोरत्ता आतो दे खाएगी मस ठीक है वतशिवा अनातानी ओकाने ओ मुरत्ते खाएरु ठीक है या खाएरी मास ठीक है अनाता नी भी लगा सकते हैं अनाता करा भी लगा सकते हैं करा भी लगा सकते हैं लेकिन देखें नी का मतलब चेंज हो जाता है इस वर्ग के साथ यहां पे लिखा है वतशी और अनाता नी हो कान मुरते खैरी मस मैं तुम नी का मतलब क्या होगा तुमसे पैसे लेकर जाऊंगा लेकिन अगर मैं कहूं वतशी और अनाता नी को काने ओ आगे थे खाएंगे बस मैं तुम्हें पैसे दे के जाऊंगा तो अब यहां नी का मतलब क्या हो जाएगा तुमको मैं तुमको पैसे देकर जाऊंगा तो नी का मतलब वर्ब से निकलता है कि वर्ब ठीक है तो ये चार फॉर्म्स हैं वर्ब्स की जहां पे दो वर्ब एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो चार पैटर्न हो ये चार पैटर्न आज हमने कवर कर लिए तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया तो ऊपर वाला समझा आप लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।